नेक्स्ट टॉपिक है जे फैट के पैरामीटर। हम क्या निकालते हैं, जे फैट के तीन पैरामीटर निकालते हैं। हमारे पास तीन टर्म्स हैं, आईडी, वीजीएस और वीडीएस। इसमें से एक को कांस्टेंट रख के दो के बीच हम रिलेशन निकालेंगे, तो वो क्या निकल जाएंगे आपके जे फैट के पैरामीटर। फर्स्ट क्या है इसमें, अन्योन्य चालकता, ट्रांस कंडक्टेंस। ये क्या कह रहे हैं, स्थिर ड्रेन सोर्स वोल्टेज, मतलब कॉन्स्टेंट वीडीएस पर डेल्टा आईडी और डेल्टा वीजीएस के क्या कहते हैं आपके रेशो को, क्या बोलते हैं हम, अन्योन्य चालकता, जीएम। तो ये क्या हो जाएगा, जीएम इज इक्वल टू डेल्टा आईडी अपॉन डेल्टा वीजीएस एट कांस्टेंट वीडीएस। नेक्स्ट निकालते हैं हम इसका ड्रेन प्रतिरोध, मतलब ड्रेन रेजिस्टेंस, आरडी। आरडी क्या होगा, वी अपॉन आई। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वीडीएस अपॉन डेल्टा आईडी एट कांस्टेंट वीजीएस। ये क्या निकल गया इसका, ड्रेन रेजिस्टेंस। ये क्या लिखा, स्थिर गेट सोर्स वोल्टेज पर ड्रेन सोर्स वोल्टेज, ड्रेन स्थिर गेट सोर्स वोल्टेज पर ड्रेन सोर्स वोल्टेज और आईडी के जो हम क्या कहते हैं रेशो को क्या कहेंगे हम, ड्रेन प्रतिरोध, ड्रेन रेजिस्टेंस। फिर निकालते हैं हम इसका प्रवर्धन गुणांक, एम्पलीफिकेशन फैक्टर, म्यू। म्यू क्या होगा आपका, कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट आईडी पर वीडीएस और वीजीएस का जो रेशो होगा वो क्या कहलाएगा हमारा, एम्पलीफिकेशन फैक्टर। तो हमने क्या दिखाया, म्यू इजिकल टू डेल्टा वीडीएस अपॉन डेल्टा वीजीएस एट आईडी कांस्टेंट, ठीक है ना। तो हमने तीन टर्म निकाली कि दो टर्म के बीच में रेशो आएगा, एक टर्म क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। फिर हमने क्या निकाली, जीएम आरडी और म्यू निकाला। अब एक रिलेशन निकालते हैं, जीएम आरडी और म्यू में क्या रिलेशन होता है। तो हमें पता है म्यू इजिकल टू क्या हमने निकाला है, डेल्टा वीडीएस अपॉन डेल्टा वीजीएस, ठीक है। तो म्यू को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वीडीएस अपॉन डेल्टा वीजीएस इंटू डेल्टा आईडी से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्या जाएगा ये, म्यू इजिकल टू डेल्टा आईडी अपॉन डेल्टा वीजीएस इंटू डेल्टा आपका आईडी अपॉन डेल्टा वीजीएस। तो ये क्या हो जाएगी, म्यू इजिकल टू जीएम इंटू, ये क्या होगी वैल्यू, आरडी की। तो म्यू का म्यू इजिकल टू क्या जाएगा, जीएम इंटू आरडी। तो इसके बीच में क्या आ गई है, रिलेशन, म्यू इजिकल टू जीएम इंटू आरडी।